राम राम भाई। एक मिनट गेट बंद कर देता। हाँ कालीन, ऋतु कालीन रोटी और डाल दिए। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। सुबह के बज गए 7:15। और यार भूल गया मैं उधर का काम भी। बांकड़ी, दराती, पानी की बोतल, सिर पे ये खेसी चुन्नी वाली खेसी, क्योंकि मेरी शापी मिली नहीं। तो भाई सुबह हो गई है और अपन चल दिए ड्यूटी पे, है ना। वहाँ जाके करना क्या है, अपने को काटनी है सिरसू। दो दिन लग के मेहनत की तो बढ़िया। अच्छा पिछले भी लोगों मजे आए। हाँ तो लग के मेहनत की तो भाई हो गया दो दिन में काम। फिर जाएंगे बारात में और फिर वहाँ मजे लेंगे पूरे। तब तो तीन चार घंटे करके आता हूँ मैं काम, क्योंकि अपन क्या सुबह सुबह ही काम कर जाते हैं। दिन में फिर आराम, शाम को फिर रवानगी और फिर उसके बाद जाएंगे कुआदाम बगड़। आज का सनराइज देख लो कैसा हो रहा है। पहुंच गए अपन सिरसू के खेत में। यार यहाँ पर डोड़ों पर रहती है थोड़ी सी ओस सुबह सुबह ना, क्योंकि इन गेहूँ में लगा, गेहूँ है जो ना है इनमें लगा रखा है पानी, तो ये जल्दी पक गए। देखो भूरे भूरे दिख रहे हैं ना। वैसे अभी गेहूँ का टाइम नहीं हुआ, पर ये गेहूँ पहले ही पक जाएंगे भाई। सुबह सुबह सिरसू के तेल की मालिश करके आया हूँ, जिससे कि सर गर्म ना हो मेरा धूप की वजह से। मेरा पता नहीं क्या बात है, मेरा सर जब ही गर्माने लग जाता है, जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल ख़त्म हो जाए जब गर्माने लग जाए ना, इसलिए मैं ऑयल की इसमें मसाज करके आया हूँ बढ़िया सुबह सुबह। अब इंजन बढ़िया चलेगा ये 2-3-4 घंटे। इनमें ना चलने में बड़ी दिक्कत आती है भाई, जैसे यूँ चल रहे हैं ना तो ये ऐसे अड़ते हुए चलते हैं। 11 और मैं खेत में से काम फ्री करके बोतल होगी खाली और चल दिया अब घर की साइड। अब कैसे कैसे टास्क मिलते हैं, मैं खेत से मतलब अगर सड़क सड़क आता ना, वो आंटी बोली कि भाई इधर से निकल जा, तो इधर से आने के चक्कर में अब देखो कैसे कैसे टास्क मिलेंगे। चलो आ रहा हूँ मैं उस खंभे के पास से। अरे यार सड़क सड़क ना गए, उड़ा का आगो भाई। इस रास्ते से कितना शानदार नजारा है ना खेतों का भाई, नजारा ही अलग है। इधर से आए ग्रीनरी से और इधर आ जाएंगे। नो भाई अपन आ धोके हो गए रेडी। ये त्रिपाल उठा लेते हैं, ये देख के आना है मेरे को खेत में, और नहाया धोया हूँ, जिम के भी आना है एक जगह, तो ये पहले खेत में दे आता हूँ भाई। नहा लिया धो लिया, फिर भी गर्द का काम तो करना ही पड़ेगा अभी तो। और चलो जी कोई बात नहीं। तो भाई शाम को शादी में जाने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना। सुबह खेत में गया, मजदूर लग रहे हैं, उन्होंने काट दिया होगा, अब ये पल्लड़ देख के आता हूँ, वो भेड़ा कर देंगे फिर, तो उनकी आज की दिहाड़ी पूरी हो जाएगी। तो उनके लिए मैं पानी की बोतल और ले चलता हूँ 2 लीटर की, और फिर खाना खाऊंगा भाई, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। लो भाई मैं आ गया था चाय देने, ये जो पानी की बोतल ले जा रहा हूँ वापस, खेत हो गया फिनिश कट के पीछे का। अब ये करना रहेगा अपने को इकट्ठा। दोबारा बंद कर दी। चलो बोलो श्री अम्बे मात की जय। चलो जी चल दिए ने बरात में, और दोबारा ब्लॉग में मिलेंगे, तब कब तक चलेंगे दिल्ली? ओ नहीं दिल्ली नहीं जा रहे, यहीं जा रहे हैं बरात में। तो कल तो हेलीकॉप्टर तो लाएंगे बापू जी। कहाँ से जी? दिल्ली से। हेलीकॉप्टर क्यों लाना है? ओहो अच्छा, मेले वाली बात याद है आपको है? हाँ, मैं दिल्ली से गाड़ी लेके आया था। हाँ। तो आप क्या सोच रहे हो भाई, अब भी दिल्ली से ही? जा राम बाय। सीरियस ले ली मारने ज्यादा वो वाली बात पिछली बार थोड़ी। हाँ तो सही है ना यार, सीरियस लेनी भी चाहिए, क्योंकि फिर नाचन कूदन टेम ना मिले ना यार। यो कट बहुत तगड़ो है भाई, यहाँ से साधन दिख ही ना है। मारी गाड़ी में क्या हो रहा है, क्यों हूँ कर रही है? कौन मारी गाड़ी? रितु के सिर में दर्द हो गया, बारात पहली चली गई, रितु ने छोड़ दी। बारात तो खैर पीछे, दूल्हा लिगड़ गया भाई। मैंने कहा दूल्हा की गाड़ी में बारात है ना, मतलब हमने सोचा नहीं था इतना। हाँ दूल्हा लिगड़ गई।
ओके पिछली वाली बारात लेट हो गई थी तो इस बार ये बारात जल्दी निकाली तो ज्यादा सीरियस ले ली बात मैं तो ये कह रही हूँ भाई मीत को तो चांद पे जाना है भाई बड़ा होके बेटा साइंटिस्ट बनना फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन करना तैयारी बारात चलेगी एक मिनट दो मिनट बात कर लूँ मैं है मीत मीत दो मिनट बात कर लूँगा इससे कर सकूँ तो भाई बारात जा चुकी है और हम लोग अब जा रहे हैं पीछे आधी बारात तो पीछे ही है मतलब थोड़ी दूर है दूल्हा दूल्हा गया है थोड़ी दूर है तो इसलिए हम भी अपने टाइम से निकलते हैं ना यार मैंने वो गाड़ी का नंबर भी ना देखा कौन के नंबर की थी वो गाड़ी जो पीछे लेडीज वाली थी भाई पीछे की थाली में है पीछे के में सही ऑप्शन पीछे कर रहा को है पीछे वाली में आराम बोला यो क्वेश्चन तो हाई कोर्ट में जाएगा यो क्वेश्चन तो हाई कोर्ट में जाएगा वो मिल गई भाई अरे सब मोर्च संभाल रखो या बनाना पड़ेगा माहौल बिना नेक लिए तो उठना ही नहीं अपने को भाई बैठाने की नहीं कहना है ना हमें देना है लो जी लो आ जाओ बैठो ना ले खाना खाओ और हीरो क्या हाल चाल है तेरे पुराने दर्द की